वेलकम टू अपनी रसोई। मैं संगीता, आज मैं आप लोगों को पिज्जा बनाने की रेसिपी बताने जा रही हूँ, जो बिना ईस्ट और बिना ओवन के बनेगी। सामग्री: एक बड़ी कटोरी मैदा, दो बड़े चम्मच सूजी, हाफ कटोरी दही, मंजरेला चीज हाफ कटोरी, ये पनीर है छोटे छोटे बारीक कटे हुए, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, हाफ चम्मच खावर सोडा, एक चम्मच बेकिंग पाउडर, हाफ चम्मच काला नमक, एक चम्मच मरीच पाउडर, स्वादानुसार नमक, हल्दी एक चौथाई टीस्पून और चीनी हाफ टीस्पून। पिज्जा सॉस लेंगे, टमाटर कटे हुए, कैप्सिकम कटे हुए, काला अंगूर कटे हुए, प्याज एक कटे हुए और कॉर्नफ्लोर और मस्टर्ड ऑयल। सबसे पहले मैदे को कटोरी में डालेंगे, इसमें हमें खावर सोडा मिलाना है, बेकिंग पाउडर, सूजी, चीनी, अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमें इसमें दो चम्मच ऑयल डालने हैं, रिफाइन ऑयल डाले हैं हमने, अगर ओलिव ऑयल है तो आप वो भी डाल सकते हैं। अब इसमें हमें दही डालने हैं, हम आधा कटोरी दही इसमें डालेंगे। घर की बनी ताजी दही है, हमने घर की बनी ताजी दही यूज की है। अभी सभी सामग्री को हाथ से अच्छे से मल के इसे मिक्स करेंगे। दही और ये सारी सामग्री अच्छे से मिक्स जब हो जाएंगे तब हम इसे हल्का गुनगुने पानी से मिलाएंगे। आटा ज़्यादा सख्त नहीं गूंथेंगे, आटा हमें सॉफ्ट, एकदम सॉफ्ट बेस के लिए आटा लगेगी। हम पिज्जा बेस जो बनाने जा रहे हैं उसमें हमें बहुत सॉफ्ट आटे की ज़रूरत होगी। इसमें हम थोड़ी थोड़ी करके गुनगुने पानी हम डालेंगे और इसे मिलाएंगे। इस तरह करके हमें एकदम सॉफ्ट, अब हमारे ये बिल्कुल सॉफ्ट मैदे गूंथा के तैयार हो गए हैं। अब हमें इसे 20 मिनट के लिए ढक के छोड़ देना है। सबसे पहले गैस को ऑन करेंगे, इसमें हम मस्टर्ड ऑयल थोड़ी सी डालेंगे, फ्राई करेंगे। पनीर हमारे हल्के लाल करने हैं, ये हमारे लाल हो चुके हैं, अब हम इसे निकाल लेंगे। हमें पनीर ज़्यादा लाल नहीं करना है, ठीक है। शिमला मिर्च इसमें डालेंगे और हमें प्याज भी इसमें डालना है। इसे भी हमें ज़्यादा नहीं भूनने हैं, बस 2 मिनट। अब ये हमारे हो चुके हैं, अब हमने इसमें पनीर डाल देने हैं, भूने हुए पनीर। अब इसके ऊपर से हमें हल्दी पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, स्वादानुसार नमक, मरीच पाउडर और थोड़े से काला नमक। अभी सभी सामग्री को हमें अच्छे से मिला लेने हैं। सभी सामग्री हमारी इसे मिल गई है, अब हम इसे उतार लेंगे। अब ये हमारे फूल चुके हैं, देखिए
अच्छे से फूल गए हैं। अब हमें इसके दो ठो गोले बना लेने हैं। अब हम इसे गोल करने के बाद थोड़ी देर ऐसे ऐसे मसल लेंगे और ये काफ़ी सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसे हल्का मैदा लगा के बेलेंगे। अब हम इसे बेलेंगे काफी इसे इस तरह करके बेलेंगे। इसे पतला नहीं करेंगे, इसे हमें इस प्रकार गोल बेल लेने हैं। ये पूरे बन गए हमारे। अब ये हमारे बिल्कुल परफेक्ट साइज के हो गए हैं। अब हमें इसमें फ्रॉक से पहले हमें इसे उठा के इस पे डाल लेंगे प्लेट में। हम आज कढ़ाई में पिज्ज़ा बना रहे हैं इसलिए हम प्लेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसे फ्रॉक से हमें इस तरह से आने हैं, अच्छे से फैला देने हैं। ये घर का बना हुआ पिज्ज़ा सॉस है, इसकी रेसिपी हमने चैनल पे डाल दिए हैं, इसे आप आसानी से देख सकते हैं और इसके वीडियो देखकर आप इसे घर पर बना सकते हैं। घर का बना हुआ साफ सुथरा और स्वस्थ होता है। बाहर का बाज़ार में इतनी अच्छी क्वालिटी हमें नहीं मिलेगी, घर का अच्छा और साफ सुथरा बना हुआ होता है। हमने जो फ्राई किए हुए पनीर और शिमला मिर्च है उसे हमें सजा देने हैं। इस तरह करके हमें पूरे पिज्जे में सजा देने। अब हम इसे पनीर से सजाएंगे। हम पनीर पिज्जा बना रहे हैं। चॉपिंग आप अपने पसंद के वेजिटेबल्स से कर सकते हैं। आप इसमें जो चाहें वो वेजिटेबल्स यूज कर सकते हैं। अब हम इसे प्याज से ऐसे सजाएंगे। आप इसे मन चाहे आकार में सजा सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी हो वैसे सजा सकते हैं। मन चाहे आकार में सजा सकते हैं। अब हम इसे ब्लैक अंगूर से इस तरह से हमें सजाने हैं। अब हम कॉर्नफ्लोर से सजा रहे हैं। कौन से इसे सजा रहे हैं, आपको भी जैसे अच्छा लगे उस तरह से आप इसकी चॉपिंग कर सकते हैं। अब हम इसके ऊपर से मंजरेला चीज इस तरह से डालेंगे। ये हमारे मंजरेला चीज हैं, इसे हम इस तरह से डाल देंगे पूरे चॉपिंग पर। घर का बना हुआ मंजरेला चीज है, इसकी वीडियो भी आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। हम इसकी वीडियो भी डाल दिए हैं। ये घर का बना हुआ मंजरेला चीज है। अब हम इसके ऊपर से थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी
थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर और थोड़ी सी नमक, नमक थोड़ी सी काला नमक, थोड़ी सी मिर्च पाउडर सब डालेंगे। अब इसे हम पकाएंगे। अब हम एक कढ़ाई चढ़ाएंगे, गैस को ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद हमें इस कढ़ाई में एक कटोरी नमक डालना है। कटोरी से नमक डालकर इसे अच्छे से फैला लेने हैं, हमें अच्छे से इसे फैला लेने हैं। अब अगर आपके पास ये स्टैंड नहीं है तो आप इसमें कटोरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर स्टैंड नहीं है तो आप एक छोटी कटोरी का भी इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इसमें ये स्टैंड डालकर इसके ऊपर हमें पिज्जा को ब्रेक करने के लिए डालने हैं। इसे हम इस तरह डाल देंगे और इसे ढक देंगे। अब इसे हम 25 मिनट ढक के पकाएंगे। 20 मिनट होने के बाद बीच में हम चेक कर लेंगे, फिर हम चेक कर लेंगे। कढ़ाई जब गर्म हो जाए तो हम इसके वोल्टेज को लो कर देंगे और तब बनाएंगे। अब ये हमारा तैयार हो गया है। अब हम इसे, गर्म है इसलिए हमें पिलास की सहायता से इसे निकालना है। देखिए ये बिल्कुल बन चुके हैं और काफी अच्छे बने हैं। ये पीछे से भी काफी पक चुके हैं, एकदम बढ़िया, एकदम बाजार जैसा ही हमारे पिज्जे तैयार हुए। अब हम इसे आसानी से इसमें से निकाल लेंगे, ये पूरे निकल जाएंगे। अब हम इसे आसानी से निकाल, देखिए हमारे बेस भी अच्छे से पक चुके हैं, काफी अच्छे लाल हुए हैं। अब ये बिल्कुल अच्छी बनी है, काफी टेस्टी और सुंदर बनी है। ये बिल्कुल बाजार की तरह बनी है। इसे हम घर पर एक बार आप लोग भी अवश्य ट्राई करें और इसे कैसी बनी है हमारे साथ अपने अनुभव शेयर करें। अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट्स हमें अवश्य भेजें। इतनी देर तक हमारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।